दो हजार छः में मैंने अपनी इंजीनियरिंग ख़त्म करी थी और मैं देश के लिए कुछ करना चाहती थी मैं लोगों की सेवा करना चाहती थी मैं अरविंद केजरीवाल जी से मिली और दो हजार छः से उनके साथ काम कर रही हूँ सात साल तक मैं जुगियों में रही हूँ और मैं जुगी में ही रहती थी मैंने अपना घर भी छोड़ दिया था और मैं जहाँ रहती थी वहाँ पे मैंने सूचना के अधिकार पे लड़ाई लड़ी राशन की लड़ाई लड़ी महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ी और जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन का मूवमेंट हुआ तो उस पूरे मूवमेंट में बहुत बड़े बड़े लोग जुड़े एक तेईस मेंबर की कोर कमेटी बनाई गई और उस कोर कमेटी की यंगेस्ट मेंबर मैं थी पूरा बैकएंड मूवमेंट का मैं संभालती थी कभी सामने भी नहीं आई हमेशा पीछे से मैंने काम करा इतना संघर्ष करा है उसके बाद दिल्ली महिला आयोग में आई पूरे देश ने देखा है कि कैसे कितनी बार अपनी पार्टी से भी मैंने बहुत तीखे सवाल पूछे और मैंने काम करा मैं ये संघर्ष के साथ आज मैं जहाँ पे हूँ वो बनी पर आज मैं बहुत आहत हूँ और मैं बहुत दुखी हूँ जिन लोगों के साथ मैंने इतने साल काम किया उन्होंने जब मेरे को इतनी बुरी तरीके से पीटा गया तो मेरा साथ नहीं दिया मुझे अकेला कर दिया आज मैं पूरी तरीके से अकेली हूँ मेरे साथ कोई नहीं है क्योंकि 20 साल से मैं जिस पार्टी में काम कर रही हूँ वही पार्टी में मेरे दोस्त भी हैं मेरे एक एक दोस्त को कॉल करके धमकाया जा रहा है कि अगर उसके साथ दिख गए अगर उसके साथ कोई उसके फेवर में ट्वीट तक कर दिया तो तुमको छोड़ेंगे नहीं तुम्हें तो पार्टी से निकाल दिया जाएगा तो पूरी तरीके से अकेला कर दिया मुझे और मेरे परिवार को इतने रिस्क पे डाला यहाँ तक हुआ कि मेरी जो मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है लेकिन मेरे जो रिलेटिव्स हैं जिनके साथ रह रही हूँ उनके पास गाड़ियाँ हैं तो उनकी गाड़ी से मैं अलग अलग जगहों पे गई अभी 164 स्टेटमेंट कराने तो उनकी गाड़ियों के डिटेल्स भी फ्लैश करे गए हद कर दी मेरे सारे दोस्तों को कॉल कर करके बोला जा रहा है इसकी कोई पर्सनल वीडियो दो इसकी कोई पर्सनल फ़ोटो दो डांस करते हुए वीडियो दो कुछ भी दो कुछ भी निकालो यूएस गई थी तो यूएस में जहाँ पे आम आदमी पार्टी वॉलेंटियर्स के साथ रुकी उनको फोर्स कर करके प्रेशराइज़ करा जा रहा है कि कोई तो वीडियो निकाल के दो कुछ तो दो तो पूरी की पूरी मशीनरी को और एक पूरे के पूरे ट्रोल मेकनिज़म को मेरे ऊपर छोड़ दिया गया है तो मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा आहत हूँ और मैं बहुत दुखी हूँ कि मैं आज इतनी लड़ाई लड़कर भी क्योंकि मैं सत्ता के सामने नहीं झुकी क्योंकि मैं ऐसी नहीं हूँ कि मुझे पावर और बाकी चीज़ों से चुप कराया जा सके मैं सिर्फ अपने सच के लिए लड़ी तो आज मेरी ये हालत कर दी गई है कि मैं बस अकेली हूँ मेरे साथ कोई नहीं है इसमें तो कोई शक नहीं है कि विभव उनका बहुत राजदार है और जो भी है सब विभव को पता होता है इसमें तो कोई शक की बात नहीं है आ, क्या हुआ क्यों हुआ किस लिए वो उनको बचा रहे हैं ये तो अब इन्वेस्टिगेशन का मैटर है जिस तरीके की मेरी विक्टिम शेमिंग और कैरेक्टर असैसिनेशन करा जा रहा है और जिस तरीके से मुझे बार बार इंटिमिडेट कराया जा रहा है मेरे हिसाब से ये किसी को भी शोभा नहीं देता मैं ये भी बोलना चाहूँगी क्योंकि मैंने देखा कि कैसे एक मेल मंत्री सौरभ भारद्वाज उन्होंने एक ट्वीट को रीट्वीट करा ट्वीट पार्टी के बहुत एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट हैंडल्स से ट्वीट करवाया गया जिसमें ये लिखा था कि देखिए मेरी फोटो दिखाई गई कि देखिए इसकी शर्ट में बटन नहीं है तो जो मेल मंत्री हैं वो ये कहते हैं कि हम तो यही कह रहे हैं देखिए नहीं है यही तो इसी तरीके से तो कॉन्ट्रोडिक्शंस हैं जो केस ख़त्म हो जाएगा क्योंकि केस झूठा है मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक पुरुष मंत्री को क्या ये शोभा देता है क्योंकि जब उन्होंने ये करा तो सब ने जूम करके देखा मेरे चेस्ट को कि यहाँ पे बटन है या नहीं क्या ये शोभा देता है मतलब मंत्री बैठकर अब औरतों के बटन है या नहीं इसके ऊपर बातचीत करेंगे और उनको भी बता दूं और सबको बता दूं कि जो मेरे कपड़े थे वो पुलिस के पास हैं इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसमें बटन थे भी और वो बटन खुले भी थे मैं ये समझ नहीं पा रही कि इस तरीके से क्यों विभव के सपोर्ट में पूरी की पूरी पार्टी आए ये वही पार्टी है जो मेरी पार्टी है ये वही पार्टी है जो हमारे खून और पसीने से बनी हुई पार्टी है हम 2012 में निर्भया के लिए सड़कों पे उतरे थे मैंने खुद लाठी खाई है बहुत बुरी तरीके से मेरे साथ चार्ज हुआ था वो पार्टी आज विभव कुमार को बचाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी के साथ सड़क पर उतरती है महिला नेता सड़क पे उतरते हैं तो मेरे बहुत सारे सवाल हैं और मैं इस वक्त बहुत आहत हूँ मैं बहुत अकेली हूँ और मुझे धमकाया गया था कि तुम्हें ख़त्म कर देंगे पर मैं इतना बता दूँ कि मैं ख़त्म नहीं होंगी मैं सच बोल रही हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि सच में बहुत शक्ति है और अंत तक लड़ूंगी जो विक्टिम शेमिंग कराई जा रही है जो रोज़ रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंसिस करी जा रही हैं वो मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन करने के लिए करी जा रही है और वो इसलिए किया जा रहा है जिससे कि मैं दबाव में आऊं और मैं अपना मैटर ख़त्म करूं यही चीज तीन दिन तक मुझे डराया गया था कि अगर तुमने बोला ये तो बहुत बड़ी मशीनरी है तुम्हें झूठा साबित कर देंगे सब कुछ होगा गलत वीडियोज़ आएंगी सब कुछ बोला गया था लेकिन मैं तब भी नहीं डरी और मैं आगे भी नहीं डरूंगी मैंने जो बोला है एक एक शब्द उस एफ में बिल्कुल सच है और मैं बोल रही हूँ मेरा पॉलीग्राफ टेस्ट करा दीजिए मेरा नार्को टेस्ट करा दीजिए मेरा जो टेस्ट कराना है करवा लीजिए मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ और मैं क्योंकि सच बोल रही हूं मैं किसी से नहीं डरूंगी इन्हें ये लगता है कि ये हर इंसान सत्ता के सामने झुक जाएगा किसी को भी कुछ भी करवा दो मार दो पीट दो उसका कैरेक्टर असैसिनेट करवा दो उसके परिवार को बुरी तरीके से टॉर्चर करो क्योंकि इस सब में तो मेरा परिवार के बारे में सोचिए कि मेरे परिवार का क्या हाल हो रहा होगा लेकिन हम लोग थोड़ी अलग मिट्टी से बने हैं और मैं इतनी सस्ती नहीं हूँ मेरे साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ और मैं अंत तक लड़ूंगी और मुझे पता है इस लड़ाई में मैं अकेली हूँ मुझे पता है मेरा कोई साथ नहीं देगा मुझे पता है कि ये लड़ाई मुझे अकेले ही लड़नी पड़ेगी क्योंकि मैंने सारे सर्वाइवर्स को देखा है उनको अकेले लड़ते हुए देखा है उनको वो हर दिन हर पल वो दुख और एक एक डेस्परेशन एक हेल्पलेसनेस मैंने उनके अंदर देखी है बट इट्स ओके इन्हें लगा था कि इस तरीके से मार पीट कर एक फाइटर को ये विक्टिम बना देंगे लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि मैं फाइटर हूँ फाइटर थी और फाइटर रहूँगी अकेले लड़ूंगी किसी की ज़रूरत नहीं है मुझे मैं अकेले लड़ूंगी लेकिन मैं ज़रूर लड़ूंगी आप सत्ता के बारे में बात कर रही थी आ, कुछ लीक्स आई हैं फ्रॉम सोर्सेज इन आम आदमी पार्टी कि शायद हो सकता है कि आपको कहा गया हो कि राज्यसभा की सीट आपको यू हैव टू गिव इट अप क्योंकि कि किसी और किसी एक खास वकील के लिए वो सीट uh, चाहिए वॉज दैट अशू देखिए अगर मेरी राज्यसभा की सीट उनको वापस चाहिए थी अगर वो प्यार से मांगते तो मैं जान दे देती थी MP तो बहुत छोटी बात है और मेरा अगर आप पूरा करियर देखेंगे तो मैंने कभी भी कोई भी पद की लालसा नहीं दिखाई अपनी जिंदगी में 2006 में इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़कर मैं तब जुड़ी थी जब कोई जानता नहीं था किसी को तीन लोग थे ले दे के उनमें से मैं एक थी तो मैं तब से काम करके करती आ रही हूँ जमीन पे काम करती आ रही हूँ 2006 से लेके 2012 तक मैंने सारे ऑपरेशंस रन करे हैं आई वॉज एपसल्यूटली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दस थ्री और फोर पीपल मेरे को एम शिप की कोई लालसा नहीं है ये मुझे प्यार से बोलते तो मैं हर हाल में आ, रिजाइन कर देती मुझे कोई समस्या नहीं है मुझे नहीं लगता कि कोई पद में मैं बंधी हूँ मेरे को लगता है कि मैंने बहुत काम किया है और मैं काम बिना पद के भी कर सकती हूँ लेकिन जिस तरीके से इन्होंने मुझे मार पीटा है अब चाहे दुनिया की कोई शक्ति लग जाए मैं किसी भी हाल में रिज़ाइन नहीं करूँगी मुझे पता चल रहा है मुझे बताया जा रहा है कि इसी वजह से मुझे कैरेक्टर असैसिनेशन करा जा रहा है विक्टिम शेमिंग करी जा रही है मैं बिल्कुल रिज़ाइन नहीं करूँगी आई एम द यंगेस्ट वुमेन पार्लियामेंटेरियन इन द पार्लियामेंट राइट नाउ एंड आई विल वर्क वेरी हार्ड मैं बहुत शिद्दत से मेहनत करूँगी और मैं एक आइडियल पार्लियामेंटेरियन कैसी होती है मैं वो बन के दिखाऊंगी जी ऑन the there सी 2006. जब हम 2006 में साथ में सब काम करते थे तो एक बहुत अलग तरीके का एनवायरनमेंट था एक बहुत जोश था ग्राउंड पे काम करते थे हम लोगों के बीच में रहते थे मैंने बताया मैं सात साल झुग्गियों में रही हूं और हम सब इस तरीके से काम करते थे लेकिन जब पावर आती है और सत्ता आती है तो मुझे लगता है उसके साथ बहुत सारी चीज़ें आती हैं और सबसे बड़ी जो चीज़ आती है उसको कहते हैं अहंकार तो धीरे 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 जब अहंकार आपके सर पे सवार हो जाता है तब आपको शायद ये नहीं दिखता कि क्या सच है क्या झूठ है क्या सही है क्या गलत है ये साइंस हम लोगों ने देखे हैं और ओवर द दे ईयर्स देखे हैं पर मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि एक लड़की जिसने कभी इनका तो छोड़ दीजिए किसी का भी बुरा नहीं करा जो कभी झूठ बोलती ही नहीं है मेरे लिए ये बात सब जानते हैं और अगर मुझे कभी मतलब मैं कभी कभी कुछ गलत नहीं करती ऐसी लड़की जिसको ये सब जानते हैं उसके साथ पहले तो उसको पीटा जाएगा और उसके बाद उसको पूरी तरीके से कैरेक्टर असैसिनेशन करके आइसोलेट करवा दिया जाएगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था बट आप जब अहंकार की बात करते हैं ये किस में आ रहा था सब में जो ऑफिस बेरर्स थे या कुछ लोगों में मुझे तो लगता है कि सब में ही अहंकार बहुत बढ़ गया है बट मैं ये मानती हूँ कि एवरी थिंग बिगिनस फ्राम द टॉप सो आई थिंक दैट हमें बहुत ज्यादा री करने की ज़रूरत है hmm. और हमें जमीन पे ग्राउंड पे लोगों के साथ रहने की जरूरत है श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत